हेलो दोस्तों मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है जैसा कि अभी मैं आपको इंस्ट्रट्रा कुछ ट्रिक्स के बारे में बता रहा था उसी में नेक्स्ट आपको आज बताने जा रहा हूं। हम कोई भी स्ट्रोक या आउटलाइन यूज़ करते हैं तो उसको हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यानी किसी सेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे उसको हम ईजिली एडिट कर सकें और कुछ भी उसको हम सेप दे सकें तो उससे पहले मैं आपको इस बार वीडियो के बारे में बताऊं आपसे रिक्वेस्ट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ किसी भी स्ट्रोक या आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमने क्या है सर्कल ले रखा है ये क्या है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारा ये देखो आप स्ट्रोक है ये और उसी को मैंने क्या किया यहाँ पे उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सेप पे देखिए ये क्या है हमारा फील्ड में कन्वर्ट हो गया है सेम चीज़ को किया बस इसको बस ईजिली बस एक कमांड से आपके हो सकते हैं और इसको आप क्या करते हैं किसी भी जो जो भी आपने ड्रॉ किया है पाथ किया है सबको ईजिली आप क्या सकते हो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं चलिए शुरू करता हूँ आपको बताता हूँ इसको हम कैसे करते हैं उसके चलिए मैं क्या करता हूँ एक न्यू आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ से किसी भी साइज़ के कार्ट बोर्ड लेता हूँ चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे करते हैं चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ एक मैंने सर्कल ले लिया ठीक है एक सर्कल ले लिया मैं इसकी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ और इसकी थोड़ी मैं आउट स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ जिसको आपको दिखे दिखाइए तो ये क्या है हमारी ये देखिए हमारे स्ट्रोक अभी मैंने क्या है फिलिप्स की नन कर रखी है स्ट्रोक दे रखी है फाइव की अब इसको क्या है? मुझे कन्वर्ट करना है सेफ में अगर इसको मान लो इस आउटलाइन में हमें कुछ भी इसके साथ कुछ प्ले करना है तो क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रोक में प्ले नहीं कर सकते उसको हम क्या करना होगा हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तभी इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए क्या सबसे ईजी इसके ऐसे मैथड तो कई सारे होते हैं इससे पहले मैंने आपको एक एक और मैथड बता रखा कैसे करते हैं अब ये क्या आपको नया मैथड बता रहा हूँ बहुत जो बहुत ईजी है जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं स्ट्रोक को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बस उसको सिंपली करना कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है इसको और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है और सबसे नीचे आपको आना है पाथ में ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ में आना है और यहाँ से आपको आउटलाइन स्ट्रोक कर देना बस सिंपल सा कमांड है ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक जैसी करेंगे देखिए आपका आउटलाइन क्या था आपका फिल में कन्वर्ट हो गया देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या से स्ट्रोक की जो थो खत्म हो गई फील आपकी हो गई सिंपली आपके यहाँ और इसके साथ क्या है कुछ भी प्ले कर सकते हैं इस पर क्लिक करें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लें किसी भी नोट को सेलेक्ट करें और इसके साथ आपको जो प्ले करना है इजीली आप उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं ये देखिए आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं उसके साथ आराम से कोई आप इस शेप इस को इजीली कोई सेफ दे सकते हैं आप देखिए इसी सेप को अगर मुझे बनाना हो तो इसके लिए क्या बहुत सारी मेहनत करनी होती है सर एक सर्कल लेना फिर दूसरी सर्कल लेना उसके बाद करभेचर टूल लेना तो उससे भी क्या इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती इसमें क्या एक कमांड से आपकी एक क्वालिटी आ गई ये तो चलिए आपकी एक कब सेप हो गई चलिए आपको दूसरे के बारे में दिखाता हूँ ये तो हो गया सर्कल के साथ अब चलिए मैं क्या एक रेक्टेंगल लेता हूँ ठीक है इसकी भी मैं क्या है फिल को नाम रखता हूँ अब जो स्ट्रोक है उसके साथ लेता हूँ चलिए अभी इसको ले लिया इसको दिखाने चले आप इसका भी मैं क्या कुछ भी कर देता हूँ आउटलाइन चलो इसका मैंने कर दिया सिक्स ठीक है आप इसको ये भी क्या है? देख रहे हैं आपके आपका आउटलाइन है या स्ट्रोक है आपका यहाँ फिल क्या है ना अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है ऑब्जेक्ट में तो वह सेम है ऑब्जेक्ट में जाना है आपको पाथ में जाना है और आप क्या करना है आउटलाइन स्ट्रोक करना है जैसे कि ये देखिए आपके यहाँ स्ट्रोक ख़त्म हो गया आपका फिल हो गया अब इसके साथ ईजिली आपका कर सकते हैं आप देखिए आपको क्या आप मान लो कि दोनों तरफ आपको मान लो कि ये राउंडेड कॉर्नर करना होता है ठीक है आप क्या कर सकते हैं यहाँ से पहले वाले को सिलेक्ट किया मैं चलिए जूम करके दिखाता हूँ आपको फर्स्ट वाले नोट को सिलेक्ट किया यहाँ डायरेक्शन सिलेक्शन टूल से और ईजिली देखिए आप इसको राउंडेड कर सकते हैं अब इसको सेलेक्ट किया अंदर वाले को इसको कर सकते हैं आपकी मर्जी है जिसको जैसे साथ ईजिली आप उसके साथ वैसे आप प्ले कर सकते हैं देखिए आप ईजिली कर सकते हैं आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप बस किसी को नोट को आप सेलेक्ट करके आपको बस करना बस ईजली आप क्या है स्ट्रोक जैसे ही आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या है इसके ऊपर फुल कमांड हो जाएगा बस नोट को सेलेक्ट किए आप देखिए हमने क्या किया सिर्फ अंदर वाले को शेप को हमने क्या कर दिया ईजिली इसको हम राउंडेड कर दिया ये तो राउंडेड किया आप कुछ भी कर सकते हैं अब जैसे मान इधर वाले नोट को हमने सेलेक्ट किया अब इसको अंदर खिसकाना है तो हम क्या कहें कर सकते हैं इस नोट को सेलेक्ट करके हम इसको देखिए इजिली हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह का सेप दे सकते हैं कुछ भी हम कर सकते हैं ईजिली अब मान लो आपको कुछ नॉर्मल करना है यहाँ आप इसको भी करना है तो आप यहाँ भी इसको भी एक राउंडेड कर सकते हैं देखिए जिस तरह आपको राउंडेड करना है पॉइंटेड करना है जो करना है आप आराम से आपको आप कर, कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ ये तो हो गया आपका किसके साथ ये आपका रेक्टेंगल के साथ हो गया तो अब आप मान ली एक नॉर्मल लाइन के साथ दिखाता तो हूँ आपको मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा ड्रॉ करी है इस लाइन ड्रॉ की थिकनेस मैं कर देता हूँ सपोज सिक्स ठीक है अब सिक्स करने के बाद देखिए आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा ये क्या स्ट्रोक है? है और फिल हमारे नन है देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये देखिए अब इसको भी करना है सिंपली ऑब्जेक्ट में जाना है उसके बाद पाथ में जाना है और आपको आउटलाइन स्ट्रोक करना है जैसे ही करेंगे आपका ये सेप में देखिए कन्वर्ट हो गया अब तुम जूम आउट करके दिखा दीजिए आपको ईजिली क्या है सेप में कन्वर्ट हो गया इसके देखिए स्ट्रोक जीरो हो गई और यहाँ फिल हो गया अब इसके साथ भी आप इजिली कुछ भी प्ले कर सकते हैं आप चाहे मान लीजिए इसका क्या राउंडेड कॉर्नर करना है तो एक नोट को सेलेक्ट किया तो इस, इसको आप राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं इसको करना है तो ईजली आप इधर से कर सकते हैं आपको जो भी करना है इसके साथ ईजिली आप कोई भी शेप के साथ इसके साथ, इसके साथ क्या तो आप साथ कर, क्या कर सकते हैं ड्राॅइंग कर सकते हैं ये तो हो गया ऊपर वाले की बात आप चलिए नीचे वाले पॉइंट के साथ भी देखते क क्या कर सकते हैं चलिए हम नीचे वाले पॉइंट के साथ आते हैं इसको अगर हम चाहते हैं इसको खिसकाना है तो ईजिली क्या इस इधर खिसका सकते हैं राउंडेड करना है तो यहाँ पे हम राउंडेड कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसको मैं आराम से कुछ भी इसके साथ में प्ले कर सकता हूँ मैं तो आप मतलब कोई भी सेप प्ले किया उस, उसका स्ट्रोक लें और उस स्ट्रोक को क्या करें आप पाथ में जा के आप क्या करें बस स्ट्रोक को कर कर दें ऑब्जेक्ट पाथ और यहाँ से आउटलाइन स्ट्रोक बस सिंपली इतना ही करना है चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रोक हो उसको आप इजीली आप किसी भी तक कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी सीप इजीली दे सकते हैं जैसे आपको कुछ भी मान लो ड्राइंग करनी है फ्लोरल करनी है कुछ भी करनी है आप बस नॉर्मल स्ट्रोक ले लो उसके साथ ईजिली आप प्ले कर लो जिससे आपके का काफ़ी टाइम बचेगा आपके साथ उसकी क्या है, क्या है? क्वालिटी भी आ जाएगी तो इस बीच को मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ बस शॉर्टकट में रखता हूँ बस एक छोटा सा कमांड है लेकिन इस कमांड की यूजेज काफ़ी ज़्यादा है आप जितनी ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आपका क्या इसके ऊपर आपको कंट्रोल आते जाएगा तो आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो था बहुत शॉर्टकट में था जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें धन्यवाद